नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू एक्टिवेट फ्री एंटीवायरस, मींस आप कैसे अपने सिस्टम में फ्री एंटीवायरस एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जो अपडेट लाए वो आपको पता चलते रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, आप लिंक के द्वारा अपने अवस्थ एंटीवायरस को डाउनलोड कर ले। और मैं आपको जैसा कि बता दूं कि आप अगर अवस्थ एंटीवायरस को परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी। तो मैं यहाँ गूगल में आ चुका हूँ और दोस्तों मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ अवस्थ एंटीवायरस। और मैं आपको बता दूं जैसे कि ये जो है दोस्तों, जब आप एक्टिवेट करोगे तो ये 3 इयर्स का होगा और आपको प्रीमियर का वर्जन मिलेगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि मैं यहाँ अवस्थ के साइट पर आ चुका हूँ और अवस्थ में आपको प्रीमियर को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है लाइसेंस की वो अवस्थ प्रीमियर का है। तो दोस्तों उसके क्लिक करने के बाद आपको सीधा सीधी नजर आ जाएगा कि आप अगर 1 ईयर के लिए इसे सब्सक्राइब करते हो तो 1,799 रुपए, 2 ईयर के लिए आपको 3,399 रुपए, और 3 ईयर के लिए करते हो तो दोस्तों आपको 4,999 रुपए पे करने होंगे। तो दोस्तों आप बिना कुछ पे किए 4,999 रुपए को फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो। जो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर उसी के द्वारा काम करेगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको अवस्थ को ओपन करना है। तो मैं यहाँ डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो कि यहाँ पर अवस्थ प्रीमियर की प्रोसेसिंग हो रही है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि वो लाइसेंस मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, बट लेकिन आपको दोस्तों उसके लिए एक वर्क करना पड़ेगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और साथ ही साथ शेयर करना होगा। और अगर आप ये तीनों कंडीशन करते हो तो दोस्तों मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपका जो है कमेंट बॉक्स में आपको अपने ईमेल आईडी को लिखना है, जहां मैं आपको सेंड कर दूंगा ये लाइसेंस को। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरा अवस्थ प्रीमियर इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, और जैसे ही आपको इंस्टॉल ले लेगा मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद के प्रोसीजर आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे लैपटॉप में अवस्थ एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है, और थोड़ी देर में आपको शॉर्टकट भी नजर आ जाएगा मेरे डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर अवस्थ के 2 शॉर्टकट आ चुके हैं दोस्तों। तो मैं इस शॉर्टकट को ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। दोस्तों जैसे ही आप ओपन करोगे आपको ये नजर आएगा कि यू आर इन डेंजर, और उसके आपको बताया गया कि आपके जो दोस्तों अवस्थ है वो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आप इसे कैसे फिक्स करोगे वो सारे डिटेल्स आपको बताएगा। तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस सेटिंग्स पर क्लिक करना है दोस्तों। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और जो लाइसेंस फाइल है आपको इंसर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस आपको कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर कि 0 डेज रिमेनिंग दिखा रहा है, मतलब कि आपका जो है लाइसेंस समाप्त हो चुका है। आपको यहाँ दोस्तों इंसर्ट लाइसेंस फाइल पर क्लिक करना है। आपको पास किसी कोड नहीं है तो आप यहाँ इंसर्ट लाइसेंस फाइल पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो लाइसेंस है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे ये थोड़ी देर दोस्तों आप प्रोसेसिंग लेगी। प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ शो करेगा कि आपका जो अवस्थ प्रीमियर, और आपको दिखाएगा कि वैलिडिटी 2021 तक एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों लाइसेंस इंसर्ट करने के बाद आपको इसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये जो वर्जन है दोस्तों आपका ओल्ड वर्जन है और आपको अपडेट्स करने के बाद ये न्यू वर्जन हो जाएगा। तो मैं यहाँ सारे फाइल को अपडेट कर दिया हूँ, और अगर आप फिर से सब्सक्रिप्शन में देखोगे तो आपको यहाँ शो करेगा योर सब्सक्रिप्शन इज एक्टिवेटेड, मतलब कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। और आपको यहाँ डेज भी दिखा देगा दोस्तों कि 1,102 दिन बचा है आपके अवस्थ प्रीमियर लाइसेंस को एक्सपायर होने में। और उसके बाद दोस्तों आपको रन कर देना है, क्योंकि ये रन करने के बाद दोस्तों आपका जो है एंटीवायरस अपडेट हो जाएगा और आपके जितने भी सिस्टम्स में वायरस होंगे वो हट जाएंगे। तो दोस्तों आप एक आसान से तरीके से आप अपने सिस्टम में अवस्थ एंटीवायरस को एक्टिवेट कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।